हाय एवरीवन, सो इस वाले वीडियो में अपने जावा एंड ऊप सीरीज का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऊप्स। ठीक है, तो देखो इस मॉड्यूल में है क्या। सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऊप्स मॉड्यूल का, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे क्लासेस बनती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, ये सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज देखते हैं कि ना क्लास होती क्या है, क्लास यूज क्यों करते हैं। पहली चीज देखते हैं कि क्लास होती क्या है एंड क्लास का यूज क्या है, क्या रोल होता है क्लास का जावा में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, देखो हमने इससे पहले जितने भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स करे हैं वो नॉर्मल से ऐसे थे कि हमने इंटीजर यूज कर रखा है, ठीक है, हमने बूलियन यूज कर रखा है, कैर यूज कर रखा है, हमने स्ट्रिंग यूज कर रखी है, इस टाइप के डेटा टाइप्स हमने यूज कर रखे हैं। इसके बाद हमने होमोजीनियस डेटा टाइप्स यूज कर रखे हैं। होमोजीनियस मींस जैसे इंटीजर का एरे, ठीक है, फिर हमने स्ट्रिंग का एरे बना रखा है, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर का एरे, ये होमोजीनियस है। इसका मतलब क्या है कि ना ये जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बना है। प्रिमिटिव मतलब देखो अभी ये एरे किसका है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। मीन्स ये जो एरे होगा इसमें सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज आने वाली हैं वो किस टाइप की होने वाली हैं, वो सारी वैल्यूज इंट टाइप की होने वाली हैं। ठीक है, बट अगर मेरे को कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, मेरे को कुछ ऐसा डिजाइन करना है जिसमें मेरा डेटा किस टाइप का हो, देखो अगर मेरे को कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि ना मेरे हर एक बॉक्स में समथिंग एक इंटीजर रखा हो एंड एक स्ट्रिंग रखा हो। होमोजीनियस तो ये भी है, मीन्स सब में इंटीजर एंड स्ट्रिंग होगा, बट यहां और नॉर्मल जो इंटीजर का एरे था उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें हमने ऐसे लिखा ये एरे है एंड ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। बट यहाँ पे क्या है कि हमें एरे के हर बॉक्स में क्या चाहिए, एक इंट चाहिए और एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। बट इसके लिए तो कोई डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं है हमारे पास कि ऐसा डेटा टाइप जिसमें एक स्ट्रिंग रख दें एक इंटीजर रख दें, ठीक है, तो इस चीज को कैसे स्टोर करेंगे। इस चीज को स्टोर करने के लिए दो एरे ले सकते हैं अलग अलग, जैसे पहला एरे लिया वो इंट टाइप का ले लिया, पहला एरे बनाया वो ऐसे बनाया, दूसरा एरे स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सेव कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू सेव कर देंगे, ठीक है, ऐसा तो कोई एरे हम बना नहीं सकते ना अभी के लिए, इंट स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, इंट स्ट्रिंग और फिर उसमें मतलब कि दोनों चीजें साथ साथ आ जाए, ऐसा तो कुछ रख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किया हमने, दो सेपरेट एरेज बना दिए, एक में इंटीजर रखा एक में स्ट्रिंग रखी, ठीक है। अगर कोई कहता है इस वाली वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर चाहिए तो मैं इस वाले एरे में चल जाऊंगा, इंटीजर चाहिए इस वाले एरे में चल जाऊंगा, स्ट्रिंग चाहिए इस वाले एरे में चल जाऊंगा, ऐसा कुछ। बट ना ये एफिशिएंट मेथड नहीं है। एफिशिएंट मेथड मींस अगर कोई मेरे को कह देता कि ना मेरे को एक एरे का जो बॉक्स है, ये जो एरे का बॉक्स है इसमें 1000 टाइप के डेटा टाइप चाहिए, 1000 टाइप के डेटा टाइप चाहिए, मान लो एक स्ट्रिंग एक इंटीजर चाहिए, फिर इंटीजर चाहिए, फिर इंटीजर चाहिए, फिर स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग का एरे चाहिए, ऐसे करके कि 1000 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम इस केस में, हम इस केस में हर एक डेटा टाइप को उठाएंगे, उसके लिए उसका अलग से एरे बना देंगे, जैसे इंट है तो इंट का अलग से एरे बनाएंगे, फिर इस इंट के लिए अलग से एरे, इस इंट के लिए अलग से एरे, मींस हमारे को इन टोटल कितने एरेज बनाने पड़ेंगे, 1000, ठीक है, 1000 एरेज बनाने पड़ेंगे अगर हमारे को 1000 वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो इस इशू को रिजोल्व कौन करता है, क्लासेस, ठीक है, देखो कैसे रिजोल्व करता है, क्लास एक नॉर्मल सा ब्लूप्रिंट होता है, देखो क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। अब किस चीज का ब्लूप्रिंट होता है वो देखते हैं, ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं कि ना एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के पास क्या क्या होता है, हर एक स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा, उसके पास उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है, रोल नंबर होगा, ठीक है, एंड उसके पास फॉर एग्जाम्पल नेम रोल नंबर कॉन्टेक्ट उसका, ये तीन चीजें ले लेते हैं। नेम किस टाइप का होगा, नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग, नेम तो स्ट्रिंग में सेव होगा ना, रोल नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, कॉन्टैक्ट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का,
अब अगर मेरे को हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो तीन सेपरेट एरेज बनाने पड़ेंगे, एक स्ट्रिंग का एरे, एक इंटीजर का, फिर एक इंटीजर का, एक स्ट्रिंग का, फिर एक इंट का, फिर एक इंट का एरे, ऐसे करके कुछ बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंट एंड इंट। अगर कोई कहेगा कि ना मेरे को फोर्थ स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो मैं इस वाले एरे में जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ इंडेक्स है, मैं इसमें से नाम दे दूंगा। किसी ने कहा फोर्थ इंडेक्स वाले स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, मैं इस एरे में जाऊंगा, इसकी वैल्यू दे दूंगा। किसी ने कॉन्टेक्ट चाहिए, मैंने कहा ये वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। बट ये एफिशियंट नहीं है, तो अब एफिशियंट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, क्लास, ठीक है। तो देखो क्लास क्या होता है, नॉर्मल सा ब्लूप्रिंट होता है। देखो ब्लूप्रिंट का मतलब कि ना मेरे को एक ऐसी क्लास चाहिए, मेरे को एक ऐसा बॉक्स चाहिए, ब्लूप्रिंट या फिर बॉक्स कह देते हैं, मेरे को यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें तीन चीजें हो, एक तो स्ट्रिंग टाइप हो, एक इंट टाइप हो, एक और इंट टाइप हो। मेरे को एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें ये तीनों चीजें हो, ठीक है। तो देखो हम इसका यूज कर सकते हैं क्लास, हम इसको कह सकते हैं क्लास, ठीक है। मैंने कहा ये एक क्लास है जिसके अंदर तीन चीजें हैं, स्ट्रिंग है, नॉर्मल सा इंट है, एंड एक और इंट है, ठीक है। तो क्लास ने हमारा काम कैसे आसान किया, हमने क्लास को, हमने इन डेटा टाइप्स को क्या कर दिया, हमने इन डेटा टाइप को एक बॉक्स में फिल कर दिया, ठीक है। एंड उस बॉक्स का ब्लूप्रिंट क्या होता है, उस बॉक्स का ब्लूप्रिंट होता है ये क्लास, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एक बार सिंटैक्स देखते हैं थोड़ा सा। ऐसे लिखेंगे कि क्लास, क्लास का नाम लिखना है, क्लास का नाम क्या होगा, जैसे इंट डेटा टाइप है, ठीक है, इंट ये इसका डेटा टाइप का नाम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का नाम है, ऐसे करके। स्ट्रिंग एक्चुअली में क्लास होती है, बट एज अ डेटा टाइप ट्रीट हो सकती है, ठीक है। डेटा टाइप का नाम, डेटा टाइप का नाम, तो मेरी क्लास भी तो एक डेटा टाइप ही है, बट वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, मान लो इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये है ब्लूप्रिंट क्लास का। अब इस क्लास के अंदर मैं चाहता क्या क्यों, मैं चाहता हूं एक स्ट्रिंग हो जिसका नाम हो नेम, ऐसे मैं चाहता हूं एक इंट रोल नंबर, मैं चाहता हूं एक इंट कॉन्टेक्ट, ऐसा कुछ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो देखो इस इन वाली लाइन से क्या हुआ, इन वाली लाइन से मेरा एक मैप बना। ये क्या है, ये एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास का यूज कर ले तो वो एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक डीलर है, ठीक है, उसने कहीं पे एक एरिया परचेज किया, ठीक है, डीलर ने ये एरिया परचेज किया। अब डीलर ने क्या सोचा कि ना मैं यहाँ पे फ्लैट्स बना देता हूँ बहुत सारे, जो कि सिंगल बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी फ्लैट्स होंगे। बिल्डर ने कहा मैंने यहाँ पे फ्लैट्स बनाऊंगा जो कि सिंगल स्टोरी होंगे, जिसमें एक मंजिल ही होगी, ठीक है। तो डीलर ने सबसे पहले क्या किया होगा, सबसे पहले उसने एरिया खरीदा होगा, एरिया खरीदने के बाद सेकंड काम क्या करेगा, सेकंड काम उसने कहा कि ना ये जो सारे फ्लैट्स है ना ये सेम सेम ही बनाने वाले हैं वो, ठीक है, इसमें सिंगल स्टोरी, इसमें सिंगल स्टोरी, सारे फ्लैट सेम सेम बनाने वाले हैं। तो उसने क्या करा, उसने एक कॉमन मैप बनाया, कॉमन मैप बनाया एंड गवर्नमेंट से जाके पास करा लिया वो मैप, ठीक है, गवर्नमेंट से जाके पास करा लिया। एक कॉमन सा मैप बनाया कि मेरी बिल्डिंग में कुछ चीजें होंगी, जैसे वन स्टोरी होगी, उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है, उसमें रेलिंग्स कहाँ कहाँ पे होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें उसने एक मैप में बनाई, मैप में सारी चीजें अरेंज करी एंड गवर्नमेंट से उसको पास करा लिया, ठीक है। ये जो एक्चुअल मैप था ना, क्या मैप एक्चुअली में, मतलब क्या ये मैप पास कराने से मेरी बिल्डिंग बन गई, नहीं। मैप क्या था, मैप एक ब्लूप्रिंट था कि हाँ मैं यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स बनाने वाला हूं। तो इस मैप को क्या कहते हैं, क्लास, मीन्स एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताता है कि हमारा डिजाइन, हमारा जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का होने वाला है, वो होती है क्लास, ठीक है। थर्ड काम क्या करेगा, कोई पर्सन इसके पास आएगा, वो इसको पैसे देगा, और ये क्या करेगा, ये एक्चुअल यहाँ पे फ्लैट बना देगा। अभी फ्लैट एग्जिस्ट नहीं करते, इसने मैप पास कराया, बट किसी ने कहा कि मेरे को यहाँ पे फ्लैट खरीदना है,
वो इसको पैसे देगा एंड ये क्या करेगा वहां पे एक फ्लैट बनवा देगा, ठीक है। तो अब इस क्लास से एक्चुअल में स्पेस एलोकेट करना और मतलब एक्चुअली में वो चीज बनाना, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमारा फ्लैट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट किसी ने इसको पैसे दिए, उसने कहा कि ना मेरे को एक्चुअली में अपने नाम पर एक फ्लैट यहाँ पे चाहिए, तो उसने इस मैप का यूज करा, इस वाले मैप का, दोबारा उसने इस मैप का यूज करा जो इसने पास कराया था, ठीक है। उसने स्पेस ढूंढा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जगह खाली थी तो उसने यहाँ पे एक फ्लैट बनाया एंड उसका एड्रेस हमें रिटर्न कर दिया कि तुम्हारा फ्लैट ये रहा, तुम इसमें जाके रह सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो ये वाली क्लास कैसे बना सकते हैं, मान लो फ्लैट में कुछ चीजें हैं, फ्लैट में क्या क्या हो सकता है, फ्लैट की स्टोरी, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि फ्लैट का कलर कौन सा है, थर्ड फ्लैट में लिफ्ट है या नहीं है, एंड फोर्थ ले लेते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का एरे, मतलब उसके पर्सन्स, उसमें कौन कौन रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, मैप बनाना। मैप का मतलब क्लास, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास, एंड इसके बाद क्लास का यहाँ पे नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल स्टोरी फ्लैट, एस एस फ्लैट मतलब सिंगल स्टोरी फ्लैट। इसके अंदर स्टोरी इंट स्टोरी होनी चाहिए, अभी इनकी वैल्यू कुछ दी नहीं मैंने। स्ट्रिंग कलर, जो भी फ्लैट का कलर है वो यहाँ पे आएगा। लिफ्ट, लिफ्ट या तो होगी या तो नहीं होगी, तो बुलियन लिफ्ट। एंड लास्ट वन स्ट्रिंग, उस फ्लैट के अंदर कौन कौन पर्सन रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना, ये नॉर्मल सा एक मैप बना कि ना हाँ वो ऐसा एक मैप बनाने वाला है, ठीक है। अब किसी पर्सन ने कहा कि ना मेरे नाम पे एक बिल्डिंग बना दो, ठीक है, या फिर इसको अभी एक्सक्लूड करते हैं, इससे थोड़ी सी फील नहीं आ रही, ठीक है। इन तीन पॉइंट्स को ही लेते हैं। अब किसी ने कहा कि ना मेरे नाम पे फ्लैट बना दो, उसने कहा ठीक है बना देते हैं। तो अब इस मैप के थ्रू, इस मैप का यूज करके हमें एक्चुअल एक फ्लैट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाते हैं देखो ऐसे। जब भी मेरे को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, मैं ऐसे करता हूँ, इंट इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये ए है, इन टाइप का है, इसलिए मैं यहाँ 10 दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, एस एस फ्लैट टाइप का बनाना है, ऑब्जेक्ट ओबीजे इसका नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 9। इसका मतलब क्या है, ओबीजे एस एस फ्लैट जिसकी वैल्यू 9 कर दी, बट 9 तो हमारी इंटीजर की वैल्यू है, तो हम ऐसे असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स है, हम इसको ऐसे असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास होता है न्यू कीवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू एंड फिर से यही वाली चीज एस एस फ्लैट, ठीक है। जब मैंने ये वाली चीज लिखी तो इससे पता है क्या हुआ, जो ये वाली बात हुई थी अभी हमारी कि ना डीलर को किसी ने पैसे दिए, डीलर ने एक स्पेस देखा कि हाँ यहाँ पे स्पेस खाली है, उसने वहां पे फ्लैट बनाया एंड उस फ्लैट का एड्रेस हमें रिटर्न कर दिया कि यहाँ पे आपका फ्लैट है, यहाँ पे आप जाके रह सकते हो, आपके पास उस फ्लैट का एक्सेस है। ये जो ओबीजे है ना, ये उस फ्लैट का एड्रेस है कि उसने एक एक्चुअल एक्चुअल में स्पेस एलोकेट किया, उसको वहां पे बनवाया एंड उसका स्पेस हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है, उसका जो भी एड्रेस था हमें रिटर्न कर दिया, ठीक। तो ठीक है, एक बार इतना काम करते हैं कोड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्लास रखी हुई है, ओवरऑल इसका नाम है क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन रखा है, ठीक है, एंड जो हम अपनी क्लास बनाने वाले हैं वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। इस क्लास का नाम क्या होने वाला है, एस एस फ्लैट, सिंगल स्टोरी फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक, अभी के लिए पब्लिक स्टैटिक लिखना है, वो नेक्स्ट मॉड्यूल्स में डिस्कस होगा इनके रीजन। पब्लिक स्टैटिक एस एस फ्लैट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या लेना था, सबसे पहले स्टोरी, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक क्लास, एक स्टोरी लेनी थी, स्टोरी के बाद क्या लेना था, स्ट्रिंग, ठीक
कलर कि उसका कलर क्या है, एंड कलर के बाद क्या लेना था कि क्या उसके पास लिफ्ट है, बुलियन लिफ्ट, ठीक है, ऐसा कुछ था। देखो ये हुआ मेरा मैप डिसाइड कि मैं इस मैप के बेसिस पे अपनी बिल्डिंग्स बनाने वाला हूं। अब एक्चुअल बिल्डिंग कैसे बनाने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल बिल्डिंग के लिए क्या कहा था, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, एस एस फ्लैट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एस एस फ्लैट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना इन्होंने एक फ्लैट हमारे लिए बना दिया एंड उसका एड्रेस जो कि था ओबीजे रेफरेंस कि वो कहाँ पे है वो हमें रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास एक्सेस है कि हम इस फ्लैट में जाके कुछ चीजें देख सकते हैं कि क्या है, हम उसमें जाके रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो इसके बाद ना मेरे को चेक करना है कि ना मेरे फ्लैट का कलर क्या है, ठीक है। तो देखो करते हैं कैसे, ओबीजे डॉट, अगर मेरे को इस क्लास के अंदर किसी भी चीज को चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ओबीजे डॉट, कलर चेक करना है कलर, ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग कलर इक्वल्स टू ओबीजे कलर, अब इसको करा देते हैं कलर को प्रिंट, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि ना उसको चेक करना है स्टोरीज कितनी है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, ओबीजे डॉट स्टोरी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओबीजे डॉट स्टोरी, ठीक है। किसी को चेक करना है क्या इसमें लिफ्ट है या नहीं है, ओबीजे डॉट लिफ्ट, ठीक है। ये है कि इसके अंदर की प्रॉपर्टीज हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है, जावा सी स्पेस, जावा स्पेस, ठीक है। देखो यहां पे कुछ वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज क्या हैं, पहली नल आई है, यहां पे लिख लेते हैं नल, फिर जीरो, फिर फॉल्स, ये वैल्यूज क्या हैं ये देखते हैं, ठीक है। देखो हमने जो हमारी क्लास बनाई थी उसमें था इंट, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, एंड लिफ्ट की डिफॉल्ट वैल्यू, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। तो देखो सबसे पहले हमने कलर प्रिंट कराया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल, फिर इंट प्रिंट कराया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, एंड फिर बुलियन प्रिंट कराया, उसकी वैल्यू फॉल्स, इसीलिए ऐसा कुछ आउटपुट आया। बट अब मैं चाहता हूं कि ना मेरी कुछ चीजें ना पहले से इनिशियलाइज हो, मैंने क्या कहा सिंगल स्टोरी फ्लैट है, तो इनकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वन, तो ना मैं यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूं इक्वल्स टू वन, ठीक है, अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊं, देखो आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, देखो आउटपुट, ये जो हमारी स्टोरी है ये जीरो से वन पे चेंज हो गई, मींस अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रख दूंगा, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब ना मेरा फ्लैट यहाँ पे बन चुका है इस पॉइंट पे, तो लाइन नंबर 8 पे मेरा फ्लैट बन चुका है, मैं बनने के बाद ना उसकी कुछ चीजें एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। बट अब ना ऐसा कुछ हुआ कि ना मेरे को ये चीजें सही नहीं लगी, मैंने कहा कि ना इन्होंने जो मेरे को कलर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता, स्ट्रिंग कलर इक्वल टू रेड कर देता, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट रेड कलर मिलता। इन्होंने मेरे को बिल्डिंग बना के दे दी, उसका कलर था रेड, बट मैंने कहा कि ना मेरे को कलर चेंज कराना है, मेरे को कलर चेंज करना है ब्लू, ठीक है, तो इनके अंदर की वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे ये देखो। तो वैल्यू जैसे कलर ऑब्जेक्ट, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना, मेरे को इसके अंदर की वैल्यू चेंज करनी है, ओबीजे डॉट कलर इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। देखो एक बार इससे पहले प्रिंट कराते हैं, इससे पहले कलर क्या था, एंड एक बार इसके बाद प्रिंट कराते हैं, सीसो ओबीजे डॉट कलर, एंड एग्जैक्टली सेम चीज इसके बाद प्रिंट कराते हैं जब हमने कुछ चेंजेस कर दिए। एक बार रन करते हैं इसको, ये किया रन। देखो सबसे पहले इसका कलर था रेड जो डिफॉल्ट इसको मिला था, बट जब मैंने चेंज कर दिया इसका कलर क्या हो गया ब्लू, ठीक है,
तो ऐसे करके हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या क्या पॉइंट डिस्कस हो गए, क्लास कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, उनके अंदर की वैल्यू एक्सेस कैसे करनी है एंड उनके अंदर की वैल्यू चेंज कैसे करनी है। ठीक है, चेंज करनी है बाय डिफॉल्ट जाके चेंज कर दो, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट बनने के बाद चेंज कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके बाद ना एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्लास का आर्किटेक्चर। क्लास के अंदर ना जरूरी नहीं, ये हमारी क्लास है, क्लास के अंदर हमने इंट लिया, स्ट्रिंग लिया, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही सब हो। ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। हमारे क्लास में वेरिएबल्स के साथ साथ मेथड भी हो सकते हैं, एंड क्लासेस के अंदर फर्दर क्लासेस भी हो सकती हैं। तो एक क्लास के अंदर वेरिएबल हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं। अब इन मेथड्स का क्या काम है ये देखते हैं। तो इससे पहले हमने एग्जांपल डिस्कस करा था स्टूडेंट वाला। ठीक है, स्टूडेंट के पास क्या था, रोल नंबर था, उसके नाम था, एंड फॉर एग्जाम्पल उसके मार्क्स थे, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5। एंड मैं चाहता था कि ना ये जो इसके मार्क्स है ना, ये इसके लिए फंक्शन मैं ना लिखूं, इस क्लास के अंदर ही हो। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक फंक्शन परसेंटेज। ठीक है, जो इसी के अंदर से डेटा उठाएगा एंड इसी को अपडेट कर देगा। ठीक है, इस परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग। तो क्लास के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं, एंड खुद क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था इस मॉड्यूल में बेसिक बेसिक था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।